जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे अब तक की जो सबसे बड़ी भर्ती है बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है जिसका कि टोटल पोस्टों की संख्या 21,000 प्लस है। मैं आज की बात करूंगा और अभी सुबह के 8:12 का जो अपडेट हमेशा आपको सामने या कभी भी किसी टाइम देते रहता हूं और अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि आपको रात में ही दी जाए, लेकिन 8:12 का जो अपडेट है हमारे पास वो 11,73,861 फॉर्म। अब से लिखना चाहूंगा फिर से 11,73,861 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 21,000 प्लस पदों के लिए अभी तक। तो साथियों फिर से आप सारे भाई बहनों को जितने सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं बिल्कुल फोकस करें अधिकतर रिटेन पे, उसके बाद आपको आता है फिजिकल। बाकी जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते समय DOB, डेट ऑफ बर्थ और कास्ट, ये नंबर वन है और ये नंबर टू है। इनमें से कोई गलती क्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती होती है आप इस रेस से बाहर हो। बाकी कोई गलती भी होती है आपको वो गलती नहीं करना है कि फॉर्म को क्या करना है लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करो किसी के नाम में, किसी के माता जी के नाम में किसी का ईमेल गलती हो गया, किसी का एड्रेस में, किसी के पिन कोड में, किसी के सर्टिफिकेट नाम में डालने में कोई इश्यू हो गया वो फॉर्म रिजेक्ट कर रहे, गलती नहीं करो। पहला चीज वो चीज ध्यान देंगे। इस बार रिकॉर्ड फॉर्म गिरेंगे, अभी भी बहुत टाइम बचा है क्योंकि 20 तारीख से जो फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ और आज की तारीख में आप देख रहे हैं मात्र इतने ही दिनों में 11,73,861 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने कल ही आप लोगों को बताया था कि इस बार क्यों इतना फॉर्म भी गिर रहा है, अभी और फॉर्म गिरेगा। अदर स्टेट के ज्यादा बच्चे भी इसमें फॉर्म इस बार अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा चीज जो आर्मी की भर्ती जैसे ही ये अग्निवीर हो गई है सारे बच्चे उठ के आ गए आजकल कहां पे, ये बिहार पुलिस बिहार की और अदर स्टेट की जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें भीड़ अब बढ़ गई है। तो साथियों मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, जो हमेशा आपको अपडेट इस हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहता है, वो चाहे नई वैकेंसी का हो, ये फॉर्म अप्लाई का हो, या कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसमें क्यों विलंब है नहीं है, अभी आपके पास एग्जाम में टाइम है, इसके एग्जाम में अभी बहुत आपके पास टाइम है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप सभी को, जो हमारी टीम हमारी संस्था द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है साथ में टेलीग्राम पर PDF दिया जाता है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन बैच जो चलता है उससे जुड़ के पढ़ सकते हैं। नहीं वो भी नहीं कर पाते नहीं आ पाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखेंगे कि हर दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया जाता है जो प्रीवियस ईयर के होते हैं या किसी टॉपिक से होते हैं और उसका पूरा डिस्कशन दिया जाता है ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और आप YouTube पे तो आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे इसमें तो कोई भैया पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी दबा लीजिए कि जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन की घंटी दबाए रखिएगा, टोए टोए बोलेगा, आप देखिए फिर से वीडियो मजा लीजिए और कॉमेंट करिए कि क्या सच में जो पढ़ाया जाता है जो डिस्कशन दिया जाता है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक करें वीडियो जब अच्छा रहे तो।
तो पढ़ाई पे फोकस करें, एग्जाम में अभी टाइम है, जो भी आपके पास टाइम है, जो फॉर्म अप्लाई नहीं किया फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, अभी भी टाइम है बहुत है। बाकी एग्जाम के तैयारी में जुटे लड़के कम से कम हर दिन एक सेट प्रैक्टिस करना, कुछ दिन और पहले तैयारी कर लीजिए, उसके बाद से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, 20-25 सेट देखने के बाद से आप प्रत्येक दिन कम से कम एक सेट प्रैक्टिस चालू कर देंगे आप लोग, एक सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन चालू कर देंगे और इससे अंदाजा लगने लगा कि मेरा स्कोर क्या हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो गुणे यहां पांच करेंगे इस पद में, गुणे पांच करेंगे इस पद में तो लगभग 1 लाख प्लस आएगा। इसमें अपना स्थान लाने के लिए आपको डेली कम से कम 4 घंटा पढ़िए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ 4 घंटा क्या पढ़े है मिलना चाहिए। यदि हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। 4 घंटा आप यदि ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो भी अभी लगभग 4 महीना जो भी समय है आपके पास, क्योंकि तो अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट या नवंबर में एग्जाम होगा, जो भी टाइम है आपके पास कम से कम 4 महीना टाइम है, 3-4 महीनों में आप एक अच्छा स्कोर करने लगेंगे और जब आपका अच्छा स्कोर होगा तो फाइनली रिजल्ट भी आपका हो जाएगा। इसलिए मैं सारे भाई बहनों को मैं बोलना चाहूंगा कि पढ़िए, अपने लिए न सही तो कम से कम अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब कब पढ़िएगा, अब कब जिम्मेवारियां उठाइएगा, समय आ गया है, जल्दी से अपना सफलता सुनिश्चित करिए और अपने घर की जिम्मेवारियों को उठाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।